अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक करता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस थी, हमने तीन ब्रांचेस लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ ली थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री, ठीक हो गया। कौन सी ब्रांच? चौथी ब्रांच है, तीसरी नहीं है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक हो गया। बायोकेमिस्ट्री, ठीक हो गया। बायोकेमिस्ट्री, अब इसको थोड़ी सी पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बायो, जैसे कि बायोलॉजी, तो उसमें क्या बताया जाता है? बायो का मतलब क्या है? ज़िंदगी, यानी कि कोई भी चीज़ जीना। केमिस्ट्री आपको मैंने बता दिया, कंपोजिशन स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं इसमें, वो केमिस्ट्री कहलाती है। इस तरीके से इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये तो हमें पता है भाई। आप बोलोगे हम कौन सी चीज़ पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है, डील करेंगे हम किसी भी कंपाउंड के साथ और किसी भी, यानी कि प्लांट और किसी भी एनिमल के, यानी उसके जो है, यानी कि केमिकल्स जो भी उसके अंदर पाए जाते हैं, और किसी भी, यानी कि इंसान के अंदर जैसे कोई भी केमिकल्स पाए जाते हैं। अब केमिकल हो गया भाई, क्या होगा? कैल्शियम केमिकल हो गया, प्रोटीन हो गया, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भाई। आपने कमेंट करके बताना है कितने, मैंने आपसे पूछे हैं, चलो मैंने दो बता दिए, आपने वन से लेके पाँच अपने बताने हैं। मैंने दो बताया, उसको छोड़ के अगले बताने हैं आपने, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम वगैरह वगैरह जो भी आपने बताना है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो अब ये जो है ना, इसमें बायोकेमिस्ट्री में यही चीज़ होती है। अब उसमें आप क्या करोगे, मेडिसिन बनती है, जैसे एग्रीकल्चर, फूड साइंस वगैरह जो भी है, बायोकेमिस्ट जो है वो करता है। इस तरीके से केमिस्ट और बायोकेमिस्ट सेम ही है। तो अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है वो भी हम बताते हैं आपको। पांचवी ब्रांच है भाई ये, एड बंद गया गलती से, पांचवी ब्रांच है ये किसकी? केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे बोला इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जैसे कोई भी फैक्ट्री हो गई आपकी, जिसमें सीमेंट बनता है, जिसमें आपकी, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल बनता है जो किसी भी इंडस्ट्री में बनता है, और वो कैसे बन, कौन से, यानी कि मेथड उसमें अप्लाई किए गए हों, केमिस्ट्री की अप्लाई की हुई, मैटर यूज़ किया गया हमें, और उसमें उसका स्ट्रक्चर, उसकी यानी कि एटम्स वगैरह वगैरह जो भी हैं वो यूज़ किए गए हों, वो कहलाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री कोई भी जिसमें फैक्ट्री वगैरह हो गई, जिसमें आपका सीमेंट बनता है, जिसमें आपकी मेडिसिन बनती है, ये वगैरह जो भी हैं आपकी इसमें आ जाती हैं। अगला है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या है हमारा, क्या हो गया भाई? न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, हाँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री है हमारी, केमिस्ट्री भाई इसको यहीं पे लगा दो, ठीक होगा, केमिस्ट्री, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर से एक यानी कि चीज़ पता चलती है, न्यूक्लियर आपके माइंड में आता है भाई, न्यूक्लियर बम हो गया वगैरह वगैरह, इस तरीके से ये वाली चीज़ आती है माइंड में, बहुत से स्टूडेंट के माइंड में आती है। अब न्यूक्लियर बम जैसे उसके अंदर बहुत, यानी कि वो जैसे ज़रात होते हैं, वो बहुत यानी कि चीज़ को तबाह बर्बाद कर देते हैं, एटम के यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह जो भी उसमें मौजूद होते हैं, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, भाई पता है, विल विद अ रेडियो एक्टिव यानी कि जो रेडियो, यानी कि होते हैं उसके रेडिएशन होते हैं, जो कि आपके कान के पर्दे फाड़ सकते हैं, जहाँ पे ब्लास्ट होगा न्यूक्लियर का, उसके रेडिएशन आपकी वेव्स आपकी तरफ आएंगी, कानों के अंदर टच होंगी तो चीज़ यानी कि तबाह हो जाएगी, कान के पर्दे यानी कि ख़त्म हो जाएंगे आपके, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्रेस एंड प्रॉपर्टीज़। उसके बाद उसके एनी यानी कि उसके जो हैं क्या एलिमेंट्स होंगे, वाइल्डली मेडिसन के लिए, पता नहीं कैसे मेडिसिन वगैरह बनती है। उसके बाद जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ भाई प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को जो आप स्टोर करते हो किस तरीके से करते हो, वो भी आप इसी से करते हो, न्यूक्लियर। आप एक न्यूक्लियर आपके माइंड में, मैंने क्या बोला, एक वो आता है जो कि न्यूक्लियर बम वगैरह, इस तरीके की चीज़ आती है आपके माइंड में, तो वो भी चीज़ अलग होती है, ये चीज़ अलग है। यहाँ पे आपकी डेली लाइफ के यूज़ वगैरह के बारे में बताना होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने तीन यानी कि ब्रांचेस पढ़ी हैं किसकी? केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 7, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और जो है आज की तीन ब्रांचेस, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायो मींस कोई भी चीज़ जिंदगी, ठीक हो गया, केमिस्ट्री मींस आपको पता है बायोकेमिस्ट्री, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यानी कि इसमें बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम इंसानी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, बायो के अंदर, ठीक हो गया। अब बायो, अब उसमें एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं, उसके बाद जो है, अब एनिमल्स और यानी कि प्लांट्स, अब उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, क्यों केमिस्ट्री है ना, तो अब आप केमिस्ट्री को क्या है मीन समझ जाते हैं आप, और लिखा हो भी केमिकल्स,
स्पेसेस के साथ, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन विटामिन वगैरह वगैरह, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्री जैसे कि फैक्ट्री हो गई बहुत बड़ी जिसमें सीमेंट बनता है, मेडिसिन बनती है, अलग अलग यानी कि फैक्ट्रीज होंगे। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट्स के लिए यानी कि यहाँ पर मेडिसिन वगैरह तैयार होती है। उसके बाद जो है अगली चीज़ वो है आपका जो खाना होता है, स्टोर होता है फूड, उसके बाद ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो आज की जो वीडियो है इसको यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इस वीडियो को कर दो भाई यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।